वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, मतलब हमारे अर्थ पे जो फोर डोमेन्स हैं और वो फोर डोमेन्स क्या क्या है उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। और सारा चीज मैंने यहाँ लिख कर रखा है, अगर आप भी नोट्स इसका लिखना चाहते हो तो आप सिंपली वैसे इसको लिख सकते हैं। और ये SST के है, आप अगर क्लास 6 में देखेंगे तो ये टॉपिक्स आपको मिल जाएगा और ये बेसिकली कॉम्पिटिशन में भी काम आते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए हमारे फोर डोमेन्स है अर्थ का। बेसिकली आप लोग जानते हैं कि अर्थ के बारे में पहले हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अर्थ हमारा क्या होता है कि एक हमारा स्फेयर होता है ना। आप देखो कि राउंड शेप में होता है, स्फेयर में होता है और अर्थ पे ही हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो अर्थ पे जो हमारा सरफेस है, सरफेस पे क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है, सरफेस पे प्लस सरफेस से कितना ऊंचा तक, जैसे जो हमारा एटमोस्फेयर है, हमारे जो अर्थ है ना चारों तरफ से क्या घेरे हुए है, एटमोस्फेयर से घिरा हुआ है। तो हमारे जो अर्थ है सरफेस पे, तो कुछ एरियाज में आप देखो कि लैंड है, कहीं वाटर बॉडीज आपको देखने को मिलेगा, कहीं प्लांट्स देखने को मिलेगा। तो ऐसे सारे चीजों में अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है और वो कैटेगरीज को ही हम लोग यहाँ फोर डोमेन्स में पढ़ने वाले हैं। तो अर्थ पे क्या क्या प्रेजेंट है, तो चार डोमेन्स यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे। मैंने आपको यहाँ टॉपिक्स लिख कर वन बाई वन करके सबको हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन बाकी सब एक्सप्लेनेशन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे दिया हुआ है एवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन, तो ये सब का बस हम एक शॉर्ट डेफिनेशन आपको बता देंगे। ऐसे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, बस आप यहाँ देख लीजिए कि फोर डोमेन्स ऑफ द अर्थ क्या है। अगर आप इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन प्रॉपर चाहते हैं तो कमेंट करके हमको बताइएगा, हम उसको भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये CBSE वाले, ICSE वाले, NCERT, सॉरी जो जैक बोर्ड से है या कोई भी अदर बोर्ड से है, तो वो भी देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास देखिए फोर डोमेन्स पहले हम लोग देख लेते हैं। आपका एक बायोस्फीयर आ जाएगा, एटमोस्फीयर आ जाएगा, हाइड्रोस्फीयर आ जाएगा और फोर्थ वन हमारा लिथोस्फीयर आ जाएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोस्फीयर से। बायोस्फीयर होते क्या है, तो देखो बायोस्फीयर में आप देखोगे ना कि एक तरह से हमारा लाइफ का फॉर्म होता है, कि हमारा लाइफ बनाता है कैसे, जैसे कि देखो फ्लोरा, फ्लोरा कहने का मतलब क्या होता है कि फ्लोरा मतलब कि आप यहाँ से मान लो कि इसको हम लोग फ्लोरा प्लांट्स को बोलते हैं, ठीक है। फ्लोरा किसको बोलेंगे, प्लांट्स को, और फाउना किसको बोलेंगे, एनिमल्स को बोलेंगे, क्लियर है। मतलब कि इसमें हम लोग भी आ जाते हैं, ये जो बायोस्फेयर है ना हम लोग भी आ जाते हैं इसमें। आप देख रहे हो कि फ्लोरा भी है, फाउना भी है, मतलब प्लांट्स भी आ रहे हैं और एनिमल्स भी आ रहे हैं, प्लस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ रहे हो, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना उनको हम लोग बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, प्लस में ह्यूमंस भी आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ह्यूमंस भी, ह्यूमन बींग्स हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, तो ये सब सारा चीज हमारा मिलकर क्या बनाता है, बायोस्फीयर बनाता है। तो आई होप कि अब बायोस्फीयर आपको समझ में आ गया हो कि बायोस्फीयर होते क्या है। तो बायोस्फीयर में ये सब सारा चीज कंटेन किए हुए रहता है। ये सब चीज आप देख रहे हो कि अर्थ पे ही प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स आपको अर्थ पे मिलेंगे, एनिमल्स आपको अर्थ पे मिलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बींग्स, तो हम लोग ह्यूमन बींग्स ही है ना। तो ये आपका बायोस्फीयर है, ये एक लाइफ का फॉर्म होता है, मिलकर क्या बनाता है, हमारा लाइफ बनाता है, क्लियर है। तो फर्स्ट डोमेन को हमने देख लिया। दूसरा आपका क्या आता है, हाइड्रोस्फीयर। तो बाबू कहीं भी हाइड्रो से रिलेटेड कोई वर्ड्स आता है, दैट मीन्स कि ये वाटर से रिलेटेड, हाइड्रो मतलब ही वाटर होता है, ठीक है। तो वाटर मतलब कि यहाँ पे देखो फोर स्टेज होता है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के बारे में आप लोग जानते हो क्या होता है, कि इससे जो हमारा बारिश होता है तो उसी एक साइकिल से होता है। कैसे साइकिल से होता है, तो उसका कुछ टर्म कंडीशन होता है जिसके कारण बारिश होती है। तो बारिश कैसे होती है, तो देखो यहाँ पे फोर स्टेजेस दिए गए हैं। पहला एवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन, कलेक्शन। अब ये क्या होता है कि जैसे कि देखो एवापोरेशन क्या होता है, कि हम किसी भी, आप देखते हो तालाब है आपके पास, आपके घर के अगल बगल तालाब, नदी वगैरह, बाहर सारा चीज होता है। गर्मी के दिनों में आप देखते होंगे कि बारिश हुई, फिर अगर धूप निकल जाता है तो कुछ देर बाद आपका रोड पे जो भी पानी वगैरह होता है गायब हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये एवापोरेशन के कारण होता है। एवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है, ठीक है, एवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है। थोड़ा बहुत धूप भी निकला है, नहीं धूप निकला है तो भी एवापोरेशन होते रहता है। और यही एवापोरेशन के कारण क्या होता है कि जो भाप, जैसे एवापोरेट हुआ वाटर एवापोरेट होता है, तो धीरे धीरे भाप बनकर ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद जो वाटर होते हैं लिक्विड, वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब गैस में कन्वर्ट होगा तो धीरे धीरे ऊपर उड़ कर जाएगा, ठीक है। और जब ये ठंडा हवा के कॉन्टेक्ट में आएगा तो वाटर ड्रॉपलेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब फिर से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद जो वाटर ड्रॉपलेट ऊपर रह जाएगा, और ढेर सारा वाटर ड्रॉपलेट एक जगह कलेक्शन होगा, तो वो क्या बनाएगा, क्लाउड्स बनाएगा। और ये क्लाउड्स क्या होगा ना, जब क्लाउड्स जब भारी हो जाएगा, तो इस क्लाउड से जब बारिश होगी तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक है। और फिर जब बारिश होगी तो ये फिर रिवर में क्या हो जाएगा,
कलेक्ट हो जाएगा, तो उसी को हम लोग कलेक्शन बोलते हैं। इसमें एक आपका कंडेंसेशन छूट गया। कंडेंसेशन कहने का मतलब ये चीज कि जब एवेपोरेशन होगा तो एवेपोरेशन के बाद वेपर बनेगा उसमें, और वेपर बनने के बाद जब ऊपर जाएगा गैस तो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठंडा एयर के कॉन्टेक्ट में आने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो यही प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 ओशंस भी इसमें आ जाएंगे क्योंकि वाटर से ही रिलेटेड है। तो हमारे पास अर्थ पे देखोगे 5 ओशन है। ठीक है, कौन सा? पैसिफिक ओशंस, एटलांटिक हो गया, इंडियन हो गया, आर्टिक हो गया और साउदर्न हो गया। ये सब सारे 5 ओशंस है हमारे अर्थ पे जिसमें बहुत ज्यादा वाटर कलेक्शन यहीं पे होता है, महासागर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा पार्ट आता है एटमोसफियर। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस होता है। क्यों इंपॉर्टेंस होता है? देखो, एटमोसफियर हम लोग बोलते हैं ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ भी इसको बोला जाता है। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम लोग अर्थ पे रह रहे हैं तो अर्थ के चारों तरफ से ये हमारा एटमोसफेयर से घिरे हुए हैं। अभी आपको तो एटमोसफेयर से घिरे हुए हैं, तो ये इसका 5 लेयर्स होते हैं। एटमोसफेयर के कितने लेयर्स होते हैं? 5 लेयर्स। तो अर्थ से जो सटा हुआ लेयर्स होता है उसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, उसके बाद वाले लेयर्स को हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद वाले लेयर्स को हम लोग मेजोस्फेयर, और उसके बाद वाले लेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड लास्ट, जिसको बोलते हैं थर्मोस्फेयर। जो सबसे लास्ट वाले लेयर्स होता है एक्सोस्फेयर होता है हमारा। ठीक है, तो ये 5 लेयर्स होते हैं जिसको हम लोग एटमोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, तो इसी एटमोस्फेयर में हमारे बहुत सारे चीजों को, जैसे सन का रेज जो आता है ना हमारे अर्थ तक, तो एक तरह से ये क्या करके भेजता है हमारे अर्थ तक? सन का रेज को फिल्टर करके भेजता है। तो ये सारे लेयर्स को वन बाय वन करके मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, एक वीडियो भी बना हुआ होगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको देख लीजिएगा। वन बाय वन करके सारा कुछ समझाया गया, कौन सा लेयर में क्या होता है, कौन सा लेयर में क्या होता है, कौन सा लेयर हमारे लिए बेनिफिट है, जो हार्मफुल रेज होते हैं, यूवी रेज होते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं, कौन सा लेयर्स उसको प्रोटेक्ट करके उधर ही उस रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है और हमारे अर्थ तक नहीं आने देता है हार्मफुल रेज को। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं बाय लिथोस्फियर। लिथोस्फियर कहने का मतलब क्या? जो हम लोग अर्थ पे रहते हैं ना, जैसे आप सरफेस पे चल रहे हो, लैंड पे चल रहे हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिथोस्फियर बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट, अर्थ का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग लिथोस्फियर बोलते हैं। अब देखो, लिथोस्फियर में दो चीज आ जाते हैं, एक आपका ओशन बेसिन आ गया जो कि 5 ओशन ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, है ना। फिर नेक्स्ट आपका क्या है? कंटिनेंट्स। अब कंटिनेंट्स क्या होते हैं? तो जो हम लोग अर्थ पे अलग अलग जो लैंड होता है ना, जो लैंड आपके होते हैं, जैसे कि आप इंडिया में रह रहे हो, ठीक है, कोई अमेरिका में रह रहा होगा, तो ये सब चीज आपका तो एक जैसे कि एशिया हो गया, तो हम लोग को बोला जाए कि इंडिया वाले कौन सा कॉन्टिनेंट में आ जाएंगे, तो एशिया में आ जाएंगे। इसमें आपका चाइना भी आ जाता है और भी बहुत सारे कंट्रीज आ जाते हैं, अलग अलग कंट्री आ जाते हैं, सबको अलग अलग जगह पे रखा गया। इसमें लगभग 49 के अराउंड में कंट्रीज आते हैं एशिया में। ठीक है, तो हम लोग भी, इंडिया वाले भी एशिया में ही काउंट करते हैं, हम लोग भी एशिया में ही आते हैं। ठीक है, तो ऐसे सारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं। तो इसमें टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब सारा चीज था हमारा 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ क्या है, और इंडिविजुअली मैंने अभी नहीं समझाया है कि इसमें जैसे कि आपका सबसे ज्यादा इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा एटमोसफेयर में, तो एटमोसफेयर के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर रखा है, आप देख लीजिएगा, उसमें सारा कुछ आपको डिटेल्स में समझाया हुआ है। अगर कंपटीशन का भी एग्जामिनेशन हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिंपली आप इसको भी देख सकते हो। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, टेक केयर एवरीबडी।